तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। तीन लड़कों की मिस्ट्री और इस केस की पूरे इन्वेस्टिगेशन में टूटी कड़ियां, यही इस वक्त सुर्खियों में है। कैसे, पूरी कहानी के जरिए आपको बताता हूं। इस साल 24 फरवरी से पहले अतीक अहमद कहीं सुर्खियों में नहीं था। वजह यह थी कि 2019 में जब उसको प्रयागराज की नैनी जेल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अहमदाबाद की साबरमती जेल भेजा गया तो उसके बाद वो वहीं जेल में पड़ा हुआ था और उसको इस बीच में लाया भी नहीं गया था और वो भी जेल में आराम से रह रहा था, तो उसकी कहानी एक तरह से सो रही थी, तो अतीक अहमद के नाम का कोई चर्चा नहीं था। इधर 2021 में, मतलब से 2 साल पहले, बांदा जेल में दो लड़कों की मुलाकात होती है और ये दोनों लड़के जो थे वो थे लवलेश और सनी। ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। दोनों वहाँ मिलते हैं, जेल में रहते हैं, फिर दोनों रिहा होते हैं और दोनों जुदा हो जाते हैं। वहाँ पे भी कहानी ख़त्म। अब एक तीसरा लड़का है जो अपने गांव से इधर उधर भटकता रहता है, फिर दिल्ली आता है, फिर अलग अलग शहरों में जाता है और आखिर में वो प्रयागराज पहुँचता है। वहाँ एक खाने पीने के होटल में वो छोटी मोटी नौकरी कर लेता है और वहीं काम करता है, कुछ वक्त रहता है, फिर वो भी प्रयागराज छोड़ देता है और वो भी अब गायब। तो एक साथ तीन कहानियां चल रही हैं। एक खामोश कहानी, अतीक अहमद साबरमती जेल में और यहां कोई सुर्खियों में नहीं, कोई चर्चा में नहीं। 19 से 23 हो गए। उधर दो लड़के मिले, जेल में मिले, जेल से रिहा हुए, फिर जेल से जुदा हुए। इधर तीसरा प्रयागराज में आया, कहां से कैसे आया और फिर वहां से भी निकल गया। अब इसके बाद 24 फरवरी की तारीख आती है, प्रयागराज में एक शूट आउट होता है। उमेश पाल को कई लोग घेर कर गोली मारते हैं, बम मारते हैं, साथ में दो पीएसओ की भी मौत होती है। अब इसके बाद वीडियो सामने आता है जो आप तमाम लोगों ने देखा। उस वीडियो के बाद ये पूरी सुर्खियों में कहानी आती है और फिर उमेश पाल शूट आउट में सीधे सीधे अतीक अहमद का नाम आता है। और उसकी वजह भी है क्योंकि जिस राजू पाल MLA का मर्डर हुआ उसमें उमेश पाल चश्मदीद, और उमेश पाल और अतीक की दुश्मनी जमाने को मालूम थी। उमेश पाल ने कई बार पुलिस में रिटर्न में भी दिया था। तो उमेश पाल की मौत का मतलब है कि सीधे सीधे अतीक पर उंगली उठना। तो 24 फरवरी के बाद या 24 फरवरी की रात तक ही अतीक अहमद का नाम 3 साल की खामोशी के बाद अचानक सुर्खियों में आता है। अब यह कि इस पूरे शूटआउट के पीछे अतीक अहमद और बाकी जो शूटर हैं वो सारे उसके ही शूटर थे लगभग, जितने उसमें तस्वीर में दिखाई दिए थे। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पहले एक शूटर का एनकाउंटर होता है, फिर बाकी चीजें चलती रहती हैं। अब जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो ये है कि जब ये शूटआउट हुआ उसके बाद, अब ये पहली बार आया कि शायद इस शूटआउट में चूंकि मेन एक्यूज के तौर पर अतीक अहमद का नाम आया तो उसको साबरमती जेल से UP लाया जाएगा और चूंकि ये क्राइम प्रयागराज में हुआ है तो उसको उसी प्रयागराज में लाया जाएगा जहां वो पला बढ़ा और जहां उसने आतंक, एक तरह से एक दशकों तक आतंक का राज कायम किया। तो जब ये पहली बार चीज सामने आई कि अब अतीक को प्रयागराज लाया जाना है, वहीं से साजिश की कहानी शुरू होती है। जो लोग अतीक से बदला लेना चाहते थे, उसको मारना चाहते थे, ये जो भी इसके पीछे की साजिश थी, उन्हें अब पता था कि अतीक आज नहीं तो कल अहमदाबाद की सुरक्षित साबरमती जेल से निकालकर उसे यूपी लाया जाएगा और यूपी में खासतौर पर प्रयागराज में कहीं ना कहीं ऐसा चांस मिलेगा जिससे उस पर हमला किया जा सकता है। अब उनकी तारीख के हिसाब से थोड़ा मामला डिले होता गया। 24 फरवरी को ये इंसिडेंट हुआ था, 24 मार्च आ गया, महीना बीत गया, लेकिन अतीक अहमद की इस मामले में पेशी नहीं हुई। 26 मार्च को पहली बार पेशी हुई तो वो उमेश पाल की किडनैपिंग केस में, जिसमें उम्र कैद की सजा हुई, और फिर 27 मार्च को अतीक लौट गया। लेकिन 27 मार्च को ये तय हो गया था कि अतीक अहमद को एक बार दोबारा प्रयागराज आना है और इस बार उसी उमेश पाल के मर्डर के केस के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए उसको लाया जाना है, जिसमें उसको अभी उम्र कैद की सजा हुई है। तो अतीक 27 मार्च को लौट चुका था अहमदाबाद। अब जिन लोगों को अतीक पर हमला करना था उन्हें अंदाजा हो गया कि अगले कुछ दिनों में अतीक को यहां दोबारा आना है और इसी के बाद ये सारे जो गैंग है ये एक्टिव हुए।
अब जो पूरी पुलिस की कहानी है, मैं पुलिस की कहानी के ही जरिए आपको भी बता रहा हूं। तब उसमें दो लड़के, एक लवलेश तिवारी और दूसरा मोहित उर्फ सनी, ये बांदा की जेल में बंद थे 2021 में, और यहीं उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। इससे पहले ये दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। फिर बाद में दोनों की जमानत हुई, दोनों जमानत पर रिहा हुए और बाहर आ गए, और दोनों अपने अपने अलग हो गए रास्ते। उसके बाद से अभी तक कहीं लिंक नहीं जुड़ा है कि दोनों की फिर मुलाकात हुई 2021-22 में, और हुई तो कितने बार। इधर जो तीसरा है मौर्या, ये वहीं इधर उधर रहा, लेकिन इन दोनों के साथ उसके कोई लिंक के अभी तक सबूत नहीं आए, उन दोनों लड़कों लवलेश और सनी के साथ। ये अपने गांव में था, अभी इस अप्रैल की बात कर रहा हूं। 9 अप्रैल को ये अपने घर वालों को ये कहता है कि उसे अपने एक दोस्त की शादी में जाना है, और ये भी चूंकि थोड़ा आवारा किस्म का था, अक्सर घर से बाहर रहता था, तो मैं जा रहा हूँ 1 हफ्ते के बाद लौटूंगा। तो मौर्या 9 अप्रैल को अपने गांव से निकल गया और चला गया। घर वालों को यही मालूम था कि शादी में है। घर वालों को पहली बार उसकी सच्चाई तब पता चली जब उन्होंने 16 अप्रैल की सुबह टीवी पर देखा मौर्या को। तो उन्हें लगा कि ये क्या, ये तो शादी में गया था दिल्ली, ये प्रयागराज में पुलिस ने इसको कैसे पकड़ा, और ये अतीक और अशरफ को गोली चलाने वालों में कैसे। तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। खैर, तो अभी शादी के लिए निकला था बोलकर वो दोनों उधर प्रयागराज पहुंचे, और ये तीनों कैमरे पर ही कत्ल करते हुए पकड़े गए। तो दो लड़कों की कहानी अलग, दोनों बांदा जिले में मिले थे, उसके बाद बाहर आए, लेकिन उनमें कभी दोस्ती नहीं रही, दोनों अलग अलग रहे। इधर तीसरा, इसका कोई उन दोनों से लिंक नहीं। तो फिर ये तीनों एक ही टारगेट के लिए इकट्ठा कब हुए और कैसे हुए, यही यूपी पुलिस की और एसटीएफ की इस वक्त जांच है जो चल रही है। तो उसमें से जो इनपुट निकल कर आ रहे हैं वो ये है कि अभी तक की पूछताछ में जो पता चला है वो ये है कि इसी अप्रैल में जब दूसरी बार अतीक अहमद को लाया गया प्रयागराज उमेश पाल मर्डर केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए, तो ये लोग उससे पहले दिल्ली में थे तीनों लड़के, और तीनों पहली बार दिल्ली में इकट्ठा हुए। दिल्ली में ये रहे, दिल्ली में सारी साजिश रची गई। उसके बाद ये लोग दिल्ली से प्रयागराज पहुंचते हैं, प्रयागराज में एक होटल में तीनों एक साथ ठहरते हैं। जो पूरी छानबीन और अब तक की पूछताछ है उसमें यह है कि कहीं भी इससे पहले तीनों करीब नहीं आए थे। दो जरूर थे, बांदा में मिले थे, पर इस तीसरे का क्या रोल, इसलिए कि तीसरा इन्हें जानता भी नहीं था। वो प्रयागराज जरूर गया था और वहाँ पे किसी होटल में अपना काम वाम करता था छोटे मोटे, और इससे पहले ये दोनों भी प्रयागराज आए, और वो प्रयागराज इसी दौरान आए जब ये उमेश पाल शूट आउट हुआ उसके बाद। और प्रयागराज आने के बाद ये भी अभी कड़ी टूटी हुई है कि उन दोनों की मौर्या से मुलाकात हुई कि नहीं हुई, लेकिन अभी तक की जो है कि फिर वो दोनों वहाँ से दिल्ली आए, मौर्या भी दिल्ली आया, ये दिल्ली में मिले, और दिल्ली में मिलने के बाद फिर ये लोग प्रयागराज पहुँचे। प्रयागराज जाने के बाद अब तीनों साथ थे, और इसके आगे की कहानी जो है वो आपको मैंने डिटेल में बता रखी है कि फिर कैसे शूट आउट हुआ। अब तफ्तीश में दूसरी चीज़ ये भी आई है कि इन तीन लड़कों में से जिन्होंने अतीक और अशरफ पर गोली चलाई, दो के हाथ में वो जिगाना पिस्टल थी, महंगी वाली, जो 6-7 लाख रुपए जिसकी कीमत है। इनके पिछले 2-3 साल के जो बैकग्राउंड को चेक किया गया तो इनके पास कायदे से इतने कपड़े नहीं हैं कि ये कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी खरीद सकें और महंगे होटलों में रह सकें, अच्छा खाना खा सकें, सभी क्रिमिनल और आवारा टाइप के। तो अब 6-7 लाख रुपए की पिस्टल खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? तो पुलिस की जानकारी के हिसाब से जो कुछ हुआ दिल्ली में हुआ, फिर इनको दिल्ली में ही प्लानिंग समझाई गई, फिर इसके बाद इनको पिस्टल मुहैया कराई गई, और इसके बाद उन्हें यहाँ से प्रयागराज भेजा गया। अब इनसे जो पूछताछ में और चीज़ें आई हैं, अगर दो को छोड़ दें सनी के अलावा, तो उनका किसी गैंगस्टर से कोई कनेक्शन नहीं निकल कर आया। जो अभी तक बात हो रही है कि किसी बड़े गैंगस्टर के साथ मिली भगत हो और उसके बाद अतीक और अशरफ से उनकी दुश्मनी और उन्होंने बदला लिया हो, तो अभी तक किसी गैंगस्टर के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं आया, सिवाय सनी के, जो भाटी के साथ जिसका रिश्ता देखा गया था।
और उसके अलावा और किसी के साथ नहीं था, तो इकलौता भाटी का नाम आया। अब पूछताछ जब हुई थी उसमें कुछ और चीज़ें निकल कर आई। ये तीनों अभी लगातार पिछले 2-3 महीनों में और उससे पहले इन्होंने टीवी पर अखबारों में सिद्धू मूसेवाला शूट आउट केस भी देखा था और उसकी खबरें पढ़ी सुनी देखी, और उसी चक्कर में इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को भी सुना देखा पढ़ा। और कहते हैं कि इनमें से कम वो लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो करना चाहता था, वो चाहता था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई जैसा बनूं। मैं जेल में भी आजकल सोशल मीडिया के चक्कर में क्राइम को जिस तरीके से ग्लोरीफाई और बाकी चीज़ें खुद किया जा रहा है, वो बहुत सारे नौजवानों को गुमराह भी कर रहा है, भटका रहा है। उन्हें लगता है कि यार ये शानदार ज़िंदगी है, जेल में भी देखो फ़ोन पे, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा पे इनकी तस्वीरें लोड होती हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, इनके चाहने वाले हैं, और क्या ठाट से रहते हैं, क्या इनकी शानबान है। तो उसको देख के बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे हैं। तो इनमें से एक था जो लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो कर रहा था कि मुझे भी ऐसा बनना है। अब एक गैंगस्टर भाटी को छोड़ दें तो बाकी का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है। तीनों का आपस में मिलना इसकी कड़ियां पुलिस जोड़ नहीं पा रही है। तीनों का मकसद, क्योंकि वो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हमें नाम कमाना था या कुछ बड़ा बनना था, वो भी इनके हिसाब से, क्योंकि ये इन तीनों के बारे में एक जो सबसे चीज़ आजकल ऐसे जो लोग आते हैं वो अपना नाम कमाने के लिए सोशल मीडिया और इनका बहुत सहारा लेते हैं। इन तीनों के सोशल मीडिया में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं निकली, बल्कि इनमें से कार तो शायद इस्तेमाल भी नहीं करता है। तो अगर नाम कमाना है, इस तरीके की चीज़ें करनी है, तो ये भी था कि इस इंसिडेंट को करने से पहले शायद इन्होंने कुछ पोस्ट डाला हो, कुछ रखा हो, कुछ बाद में पेश करते। लेकिन जो इनके फ़ोन वोन मिले उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है। तो इसीलिए पुलिस उलझी हुई है कि एक तो तीनों को आपस में रिश्ता कैसे मिला है, तीनों एक दूसरे से अनजान है एक तरह से, तीनों के पास पैसे नहीं फिर भी महंगी पिस्टल लेकर आए हैं, और इंटेंशन क्या है, मकसद क्या है, वो क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है और वो ये है, और यहीं से फिर कहानी और पलट रही है और कड़ियाँ और मतलब टूट रही हैं। वो ये कि अगर जिसने भी पिस्टल दिया, जिसने भी इन्हें ठहराने पैसे सब कुछ दिए, वो कौन है, वो मास्टरमाइंड कौन है, इनके पीछे का वो शख्स कौन है, और उसके तार किन किन लोगों से जाकर मिलते हैं। तो इन तीनों के पीछे वाले शख्स को एक बार अगर पकड़ लिया गया या उसका नाम का खुलासा हो गया, तो फिर मुझे लगता है पूरी कहानी खुल जाएगी। लेकिन पुलिस अभी इन्हीं तीनों की टूटी कड़ियों को जोड़ने में नाकाम रही है। अभी तक पूछताछ करके ये जो मकसद है और जो ये मोटिव बता रहे हैं वही गले नहीं उतर रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में शायद आपके पास ये खबर आए कि इन तीनों के पीछे जो कौन था या कोई था, उसके भी नाम का खुलासा हो जाए। इस दौरान अब अतीक की मौत के बाद कुछ ऑडियो भी सामने आए। एक ऑडियो है जिसमें अतीक अहमद एक शख्स को धमका रहा है, और इस ऑडियो से पता चलता है कि अतीक अहमद और अरशद पिछले कई सालों से जेल में है। इस दौरान में कई जेल बदले गए, पहले देवरिया जेल में था जहाँ इसने इसको बाद में वहाँ ले जाया गया, नैनी जेल। बहुत सारे लोगों ने अभी इसी बीच में याद आया कि इसको साबरमती जेल क्यों भेजा गया था, इसकी कहानी क्या थी, आप में से बहुत सारे अपने क्राइम तक फैमिली मेम्बर ने पूछा था। तो इसकी कहानी ये थी कि 2018 की बात है, 2018 में जो अतीक है ये यूपी के बांदा बल्कि देवरिया जेल में बंद था, और एक रोज़ उसी देवरिया जेल में एक शख्स को लेकर आया जाता है। लखनऊ में एक बिजनेसमैन को किडनैप करते हैं अतीक के लोग, उसको गाड़ी में बिठाते हैं और लखनऊ से करीब 300 किलोमीटर दूर उसको गाड़ी में डालकर किडनैप करके सीधे पहुंचते हैं देवरिया। देवरिया में किसी ऐसी वैसी जगह नहीं ले आते हैं, बल्कि एक जो किडनैप जिसको किया है उस शख्स को सीधे देवरिया की जेल में लेकर पहुंचते हैं, और उस जेल में अतीक अहमद बंद था, उसका बेटा बंद था। अब उस बिजनेसमैन को जेल के अंदर लाया जाता है, इसका मतलब है जेलर भी मिला हुआ है। अंदर लाने के बाद उसकी खूब पिटाई होती है। उस बिजनेसमैन का नाम था मोहित जायसवाल, और उससे कुछ सादे कागज़ पर साइन कराए जाते हैं कुछ प्रॉपर्टी और बाकी चीज़ों के, और वहाँ उसकी खूब पिटाई होती है, और उस पिटाई में उसकी एक उंगली भी टूट जाती है। और भरपूर पिटाई और फिर धमकी के बाद उसको जेल से बाहर भेज दिया जाता है। मोहित जायसवाल बाहर आता है और फिर पुलिस में कंप्लेन करता है। इधर कंप्लेन करता है, इधर सरकार को ये बात पता चलती है, तो सरकार कहती है कि नहीं, ये जेल चूँकि देवरिया में लगता है इसका दबदबा है, तो उसको देवरिया जेल से बाहर निकालो। अब अतीक अहमद को देवरिया जेल से निकालकर बरेली जेल भेजने की तैयारी हो गई और हुक्म आ गया। जैसे ही ये बात बरेली जेल के जेलर को पता चली 2018 में, जेलर साहब की हवा खराब हो गई, और ये रिकॉर्ड पे है सब। बरेली जेल के जेलर ने कहा
कि आप कुछ भी करा लीजिए या कुछ कर लीजिए, अतीक अहमद को मेरे जेल में मत भेजिए, मैं अपनी जेल में इसको रख नहीं पाऊंगा। और उसने हाथ खड़े कर लिया अतीक को अपनी जेल में रखने से। ये पहला मामला होगा इस देश में जब एक जेल के जेलर ने एक कैदी को अपने जेल में रखने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि पता नहीं वो इस जेल में आके क्या करेगा। तो अब जब बरेली जेल के जेलर ने हाथ खड़े कर लिए तो सरकार के सामने अजीब दुविधा कि अब क्या करें। अब उसको देवरिया जेल में रख नहीं सकते थे, तो फिर ये हुआ कि चलो इसको प्रयागराज की नैनी जेल में भेज देते हैं। इसके बाद अतीक को प्रयागराज की नैनी जेल में भेजा गया। इधर जो मोहित जायसवाल का मामला था देवरिया जेल में पिटाई की, वो मामला और बहुत सारे केस अतीक के ऑलरेडी सीबीआई देख रही थी, सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस देवरिया जेल में जो कुछ हुआ उसको देखते हुए एक ऑर्डर पास किया और कहा कि अतीक का यूपी के जेलों में जो है ना वो पूरी तरह से आतंक है और इस राज है वो जो चाहता करता है, क्योंकि एक शख्स को किडनैप करके आप जेल में उठवा के आप बुला रहे हो और वहाँ पिटाई कर रहे हो, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसका जेल के अंदर क्या आतंक होगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी के जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अतीक की अपनी जो है मनमानी चलेगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको यूपी के बाहर भेजा जाए, और फिर उसी आदेश के बाद 2019 में अतीक अहमद को यूपी के जेल से बाहर निकालकर अहमदाबाद की साबरमती जेल में भेजा गया। और तब से पिछले 4 सालों से वो वहीं रह रहा था। मौत से पहले तक 15 अप्रैल की रात 10:30 से पहले तक अतीक अहमद का आखिरी पता साबरमती जेल अहमदाबाद में ही था, तो इसीलिए उसको वहां भेजा गया था। तो अब देखिए ये टूटी कड़ियां कब जुड़ती हैं, और जो मास्टरमाइंड है कौन है क्या है उसका नाम कब आता है, जो अशरफ ने बंद लिफाफे में एक नाम लिखा है एक पुलिस अफसर का, वो लिफाफा भी कब खुलता है, वो लिफाफे में नाम क्या सुप्रीम कोर्ट से बाहर आएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट से आएगा या सीएम ऑफिस यूपी से आएगा, कहाँ से आएगा या वकील के थ्रू आएगा। तो अभी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आप तक पहुँचाता जाऊँगा, और कोशिश ये भी करूँगा कि अब जल्द ही पुरानी जो कहानियाँ उसके ढर्रे पर लौटूँ। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।